Okay, children. So now that we start with maxima and minima of different functions, right? It is important. See, maxima and minima तो नाम से ही पता लग जाता है कि maxima क्या है और minima क्या है. ये point of inflection क्या है, इसे भी हमें ठीक ठाक तरीके से समझना है. ठीक है, देखो मैं पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से तुम्हें बताता हूँ. तुम जनरली जो वर्ड्स देखते होगे अपने बुक में, अगर तुम लोगों ने देखा है या तुम आगे देखोगे, राइट, तुम्हें दिखता होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फिर आपको दिखता होगा ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, और कई जगह पे एब्सोल्यूट वर्ड भी यूज़ करते हैं, राइट. दे ऑल्सो यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज होते हैं. मैं जनरली आपको मेथोडोलॉजी बताने से पहले हमेशा उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, राइट. जैसे सपोज करो हम लोग एक सिंपल सा कोई फंक्शन कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर एनी फंक्शन. लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये जो आपका फंक्शन है ये कुछ ऐसा चल रहा है, राइट. ये फंक्शन आपका कुछ ऐसा चल रहा है. इसको थोड़ा और नीचे ले लो, समवेयर है. ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे क्या और फिर ऐसे क्या. ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राइट. लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2. पहले समझते हैं, ठीक है, होता क्या है पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. इस डायग्राम से तुम जितनी चीजें स्क्रीन पे लिखी हैं ये सारी चीजें तुम समझने वाले हो. लोकल, ग्लोबल, एब्सोल्यूट, इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, एवरी सिंगल थिंग, राइट. यू विल गेट एन आइडिया कि प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, दिस इज योर x5, राइट, ये जो पॉइंट है दैट इज योर x5. लेट दिस बी x6 एंड लेट दिस पॉइंट बी x7. ठीक है, x7. ओके, सो अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो नाम में ही हालांकि पता लगता है, राइट. अगर बोल रहे हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तो समझ में आता है कि लोकल है मतलब लोकल है, राइट. मैं अपनी कॉलोनी में एक लोकल टीचर हूँ. ठीक है, फॉर दिस कॉलोनी आई एम अ लोकल टीचर. ठीक है, तो मैं अगर उस कॉलोनी का सबसे अच्छा टीचर हूँ तो आई एम द बेस्ट टीचर. उस कॉलोनी का सबसे खराब टीचर हूँ तो आई एम द वर्स्ट टीचर. बट दैट इज लोकली. नाउ इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एट इंडिया लेवल, ओके, अब हो सकता है कि मैं इंडिया लेवल पे सबसे बुरा टीचर हूँ, आई एम द वर्स्ट टीचर ग्लोबली, और यू कैन से एट पैन इंडिया. एंड इफ आई एम टीचिंग द बेस्ट ऑल ओवर इंडिया देन आई एम द बेस्ट टीचर ऑल ओवर इंडिया. तो ये जो लोकल और ग्लोबल ये जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअली में ग्लोबल और एब्सोल्यूट दे मीन द सेम, राइट. दे एग्जैक्टली हैव द सेम मीनिंग, राइट. व्हेन दे टॉक अबाउट ग्लोबल और एब्सोल्यूट दैट दे मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग. बट यस, लोकल मीन्स अपनी लोकेलिटी में. जैसे अगर मैं पॉइंट x1 की बात करूं तो पॉइंट x1 क्या है, इट इज अ लोकल मैक्सिमा. यहाँ पे ये अपनी लोकेलिटी में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, अपनी लोकेलिटी में, राइट. जो भी छोटी सी लोकेलिटी है उस लोकेलिटी में ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. तो ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमा है. आपको मालूम है चाहे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, उन सब जगह पे जब मैं dy/dx कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा dy/dx कितना हो जाता है, 0 होता है. व्हाई, बिकॉज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, एंड दैट इज व्हाई at maxima as well as minima always dy/dx is what it is equal to 0. but ek cheez aur yahan pe tumhe samajh mein aani chahiye. jaise ye maxima hai, tum samajh pa rahe ho, local maxima hai. similarly ye tumhara local minima hai, ye local maxima hai, right. x4 tumhara local minima hai and so on. theek hai, is pure interval mein let's say ye jo graph hai tumhara, ye yahan se aur yahan tak valid hai. theek hai, हमेशा किसी इंटरवल्स के लिए ही बात होती है, राइट. किसी एक सेट ऑफ इंटरवल फ्रॉम ए से लेके बी तक, राइट. तो ए से लेके बी तक अगर आपसे बोलते हैं कि लोकल मैक्सिमाज कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप बताओगे लोकल मैक्सिमा x1 पे है, x3 पे है, x5 पे है, दैट्स ऑल, राइट. कहाँ कहाँ पे आपके पास मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा जो हमने डायग्राम बनाया है, राइट, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज एट x1, राइट, मैक्सिमा इज एट x1. और कहाँ दिख रहा है, x3 पे दिख रहा है, ओके. और कहाँ पे लोकल मैक्सिमा मेरे पास, x5 पे दिख रहा है, और x6 पे नहीं, x7 पे नो, x7 पे भी नहीं है ना. ध्यान से देखो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, राइट, इसके आगे फिर से ही ऊपर जा रहा है. ये अपने लोकेलिटी में मैक्सिमम नहीं है, ठीक है. x7 is not local maximum. I'll just tell you why and how. Okay, Akshit is asking why. I'll just tell you, बेटा, don't worry. तो ये आपके ये जो सारे points हैं, ये कौन से हैं? ये local maxima हैं. These are the local maximas. ठीक है? These are the local maximas. Similarly, you also understand कि local minima जो अपनी locality में minima होंगे, वो हमारे पास local minima होगा. Local minima अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है? X2 is there, X4 is there, X6 is there, right? X2, X4 and X6. Okay. अब X7 ना ही local maxima है ना ही local minima है. ऐसा क्यों? Right? ऐसा क्यों? ठीक है. मैं डायग्राम थोड़ा सा अगर ठीक करूँ तो ये कुछ ऐसा सजाएगा, right? ये कुछ ऐसा सजाएगा, right? मैं इसका एक तुम्हें एग्जाम्पल भी दूंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा ऐसा क्यों होता है. तो यहाँ पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस X7 पॉइंट पे, तो टेंजेंट तो सर्टेनली तुम्हारे पास क्या होगा, राइट? ये टेंजेंट तुम्हारे पास क्या होगा, ये टेंजेंट. अब देखो लोकल मैक्सिमा उसको बोलेंगे, बेटा ध्यान से सुनना अक्षय, तुम्हारे आंसर, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो तुमने भी पूछा था चैट बॉक्स में, राइट? लोकल मैक्सिमा वो चीज होगी कि अगर मैं उससे पीछे देख रहा हूँ या उससे आगे देख रहा हूँ, राइट? लेट्स से दिस इज X5, तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू X5 + H पे चेक करूँ या फिर X5 - H पे चेक करूं, I hope you understand. H is nothing but a small value tending to zero, right? तो इस locality में जो maximum value होनी चाहिए वो इसकी भी नहीं होनी चाहिए. This should be less than f(x5) and this should also be less than f(x5), right? If x5 is the maximum value in its locality, अगर तुम उससे थोड़ा भी आगे पीछे जाओगे तो value कम हो जाएगी, ठीक है? In that case only it is called local maximum. And same is the case with local minima. अगर मैं थोड़ा भी आगे पीछे जाऊंगा तो वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अगर मैं X4 की बात करता हूँ तो X4 में अगर मैं +H करूंगा वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, आपको डायग्राम में भी दिखता है. -H करूंगा तो भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, बट यस X4 पे दैट विल गेट द, इट विल अटेन द मिनिमम वैल्यू, ठीक है? सो दैट इज समथिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. व्हाट टू डू विद दिस X7? ये X7 के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तुम्हारा dy/dx जीरो हो जाता है, बट वहां पे फंक्शन की वैल्यू ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल तुम्हें यहां से दिख रहा है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, इस केस में f(x7 + c), डायग्राम में आप इस बात को बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, f(x7 + h) विल बी इक्वल टू f(x7). सच अ पॉइंट, राइट, whether this is the case or it is the other way around. Even if this is the case, although इस diagram में ऐसा नहीं है, but yes, even if this is the case, or in both these cases, this is what, this is point of inflection. तो ये ऐसे points हैं जहाँ तुम्हारा dy/dx जीरो तो होता है बच्चों, तुम्हारा dy/dx जीरो तो होगा. Why? Because dy/dx हर उस जगह पे जीरो होगा जहाँ तुम्हारा टेंजेंट x-axis के पैरेलल होगा. ठीक है अक्षित? I hope you have got the point. ठीक है? तो that was a brief discussion about local maxima, local minima, and point of inflection. ठीक है? यहाँ पे एक चीज और हमें डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज अबाउट ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. तो अगर मैं इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करूं या ग्लोबल मैक्सिमा की बात करूं, तो जब मैं इस इंटरवल में जितने भी मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट्स आए हैं, मैक्सिमा के पॉइंट आए हैं, कौन कौन आए हैं? x1, x3, x5. मैं इस जगह पे वैल्यूज चेक करूंगा. आई लिटरली नीड टू पुट द वैल्यू एंड आई नीड टू चेक व्हाट इज f(x1), व्हाट इज f(x3) एंड व्हाट इज f(x5). Out of these three things, जो भी maximum होगा ना, that is your absolute और global maxima. Diagram देख के तो ये फिलहाल लग रहा है, right? Diagram देख के फिलहाल absolute maxima कौन सा दिख रहा है? f(x5). I hope you understand. And similarly, जब मुझे local minima देखना है, global minima देखना है या फिर absolute minima देखना है, तो जितने भी मेरे पास point of minimas हैं, मैं वहाँ पे उसकी values रखूँगा. f(x1), राइट, अभी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, ये हमारे पास मैक्सिमा ठीक था. अगर हमें मिनिमा देखना है तो कौन कौन से वैल्यूज पुट करेंगे? f(x2), f(x4) एंड f(x6). इस पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सर्टेनली वो हमें यहाँ पे दिख रही है डायग्राम में फिलहाल, वो कहाँ पे? f(x4). बट डायग्राम तुम्हें नहीं दिया होगा ना, ये तो मैंने डायग्राम तुम्हें समझाने के लिए बताया था. वहाँ तुम्हारे पास फंक्शन होगा, यू वोंट गेट द डायग्राम. अगर डायग्राम होगा फिर तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली पता लग जाएगा. तुम्हारे पास फंक्शंस होंगे और फंक्शंस में ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू लर्न द प्रोसीजर. Is it okay? The basic understanding about maxima, minima, inflection. Is it okay, children? Local, global, absolute. क्या ये basic बातें अगर समझ में आ गई हैं तो please raise your hand so that I can come to the mathematical aspect. Is it fine? Quickly raise your hand, faster. कुछ अगर डिस्कस करना है तो कर लो, ठीक है, दैट इज फाइन, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इस डायग्राम से ये बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की, राइट। मैं कह रहा था कि चलो एक हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। लेट्स से आप एक, चलो इससे पहले एक एग्जांपल यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे मेरे पास स्पेस कम है तो यहीं पे कर लेते हैं, नो इश्यूज। आई विल जस्ट इरेज दिस, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू शुड, एंड यू शुड मेंटेन इट इन योर नोटबुक प्रॉपर्ली। जहाँ पे भी आप मैक्सिमा मिनिमा शुरू कर रहे हैं आप इसको प्रॉपर्ली इस तरीके से मेंटेन करके रखिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, आई एम रेजिंग इट नाउ। देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें ध्यान है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व तो सबको ध्यान रहता है, राइट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एवरीवन नोज दैट। कई बार अभी पिछले 2-3 दिनों में मैंने ड्रॉ किया है। बट अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये कैसा बिहेव करता है बच्चों, हाउ डज दिस बिहेव? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, राइट। इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली बिकॉज इट हैज एन एक्सपोनेंट। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, राइट। जीरो पे जस्ट फॉर, बस इसका नेचर जो है ना थोड़ा सा, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे जाता है। यहाँ पे मैं तुम्हें इन्फ्लेक्शन का एक ऐसा मतलब बताने वाला हूँ जो तुम आगे अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन में, इन केस यू ऑप्ट फॉर मैथ्स, राइट, तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि जहाँ भी नेचर ऑफ द कर्व कन्वेक्स से कन्केव की तरफ मूव करता है, राइट, ये चीज़ें आपने ऑप्टिक्स में पढ़ रखी होंगी, कन्केव कन्वेक्स, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा कर्व जो है ये यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कन्वेक्स शेप का है, और ये अब यहाँ ऊपर वाला कैसा है, कन्केव शेप का है। तो जब कभी भी जिस पॉइंट से उसका नेचर चेंज होता है, That point is always the point of inflection. Practicality में इसी को हम लोग point of inflection कहते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास curve है y is equal to x cube, इसका point of inflection कहाँ पे आएगा, x is equal to 0 पे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं, आगे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। आपके competitions में भी इस तरह के word use हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर ग्राफिकल तरीके से आपके सामने कुछ आता है तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी कर्व का नेचर अगर चेंज हो रहा है, राइट, कन्वेक्स से कन्केव में जा रहा है या फिर कन्केव से कन्वेक्स में जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो नेचर चेंज होता है ना, उस पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बहुत माइन्यूट सा पॉइंट होता है, इतना माइन्यूट मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट यस, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे तो वो दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इससे पीछे वाले डायग्राम में मैंने थोड़ा और बेहतर इसमें ड्रॉ कर दिया था, बट यस, दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। कभी भी अगर तुम्हारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, इस तरह की कहीं पे भी तुम्हारे पास अगर x क्यूब वाला टर्म आ गया तो ध्यान रखना उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के चांसेस 90% से ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज x क्यूब में अगर तुम कोई और फंक्शन ऐड भी सब्सट्रैक्ट भी करते हो तो एक ना एक पॉइंट ऐसा रह जाता है जहाँ की नेचर ऑफ द कर्व चेंजेस इन दैट वे फ्रॉम कन्वेक्स टू कन्केव, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे ज़रूर से मिलता है, ओके। So these are some basic facts about all these things, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, राइट, बिकॉज देखो ग्राफ तो तुम्हारे पास दिया नहीं होता जनरली, राइट, आपके पास ग्राफ नहीं दिया होता, आपको सिर्फ फंक्शन से पहचानना होता है कि वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या है। ये चीज़ हमें फंक्शंस को देख के पहचाननी होती है, ग्राफ दिया हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग जो हमने पिछले 15 मिनट में डिस्कस की है, दैट इज एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पॉइंट है। लेकिन ग्राफ नहीं दिया होता है तो हम लोग वहाँ पे डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, राइट। वी यूज डेरिवेटिव टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे करते हैं? जो भी फंक्शन है बेटा, आपको पता है सबसे पहले क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स आपने निकाला, फिर आपने देखा कि उसका साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है क्या, मतलब जो आपका एफ डैश एक्स है जिस पॉइंट पे आपने देखा है, ठीक है, वो आपने जिस पॉइंट पे, लेट्स से आपने 5 पे देखा, सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, जो भी तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यू आती है जहाँ पे ये चीज़ जीरो हो जाती है, ठीक है। तो उसके पहले ध्यान से सुनना, राइट, अगर उसका साइन जो है, राइट, उसका साइन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, दैट टेल्स यू दैट इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। द अदर वे राउंड, अगर वो चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट, इट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। इस पे मैं भी एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल मैं ये ज़रूर से सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को अपने पास लिखिएगा ज़रूर से, नोट ज़रूर से कीजिएगा, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में ये लिटरेचर लिखना और यू नीड टू राइट इट डाउन राइट। मैंने तुम्हें बताया बोर्ड में मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस अभी तक जब भी आए हैं तो वो 6 मार्क्स में ही आए हैं, 4 मार्क्स में भी नहीं दिखा मुझे तो, ठीक है। आई ट्राइड फाइंडिंग आउट क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स, तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस मुझे जनरली 6 मार्क्स में ही दिखे, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ पे लिटरेचर तुम्हें अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए इन चीज़ों को ध्यान से समझना और लिखने की हैबिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था कि अगर तुम्हारा f-x जिस पॉइंट C पे तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट जो है जहाँ पे f-c इज इक्वल टू 0, ठीक है, वहाँ पे आप अगर उसकी वैल्यू चेक करें उसके आगे पीछे राइट, तो अगर वो चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और ठीक अपोजिट अगर वो चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो वो क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। ये बात तुम्हें ऐसे भी समझ में आ जाएगी कि तुम अगर किसी भी कर्व को लेते हो राइट, अगर तुमने 2 जगह पे टेंजेंट बनाए, लेट्स से दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, ठीक है, पॉजिटिव थी f-x, यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव था और इधर जाके f-x नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, क्या मैक्सिमा नहीं है? और f-x तुम्हारा इधर नेगेटिव था और उसके जैसे ही तुम आगे बढ़े तो वो तुम्हारा क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा। तो ये चीज़ें समझने में, ये चीज़ें रटने की बजाय अगर आप ऐसे समझ के करें जो आपको बेसिक्स मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर रखे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रह जाती हैं आसानी से, ठीक है। वेयर एज f-x डज नॉट चेंज साइन, ये बात भी मैंने अभी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के लिए बताया था तुम्हें कि अगर आगे बढ़ोगे क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है ना राइट, ये आगे गया और फिर ये ऐसे कांस्टेंट रहा, या तो इधर पीछे से कांस्टेंट होगा राइट, एक ऐसी वैल्यू भी पॉसिबल है कि डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो इफ इट डज नॉट चेंज पॉइंट राइट थ्रू सी पॉइंट पे राइट, इस पॉइंट पे अगर ये साइन चेंज नहीं कर रहा, या तो इसके आगे या फिर इसके पीछे राइट, इस पॉइंट पे लेट्स से यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा या फिर इसके पीछे कहीं पे भी अगर साइन चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नीदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सा टेस्ट था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जनरली एग्जाम में तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, बट आर डी शर्मा के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में तो तुम्हें डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं करना, सेकंड एक्सरसाइज में तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे क्वेश्चन हैं और उसके आगे वो क्वेश्चन हैं जो तुम्हें एक्चुअली मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि तुम यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू ट्राई ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। अगर कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन है राइट, किसी भी इंटरवल में डिफाइंड है और वहाँ पे एक पॉइंट C है, C क्या है आपका, वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ तुम्हारा f-x 0 के बराबर होता है, वेयर C बिलोंग्स टू i, दैट मीन्स जिस इंटरवल में हमने कंसिडर करना है वहीं पे वो C होगा, ऑब्वियस सी बात है। f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, अगर f तुम्हारा 2 बार डिफरेंशिएबल है तभी हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो तभी करेंगे ना जब वो 2 बार डिफरेंशिएट होने के लायक है, ठीक है। तो जनरली सारे फंक्शन होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास x इज इक्वल टू c एक पॉइंट है जहाँ पे f-c तुम्हारा 0 आया था जो तुमने ऊपर कर लिया है, अगर वहाँ पे f"-c is coming out to be less than 0, then that is always local maximum value। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी बच्चों, जब आपका f-c तो 0 था बट वहाँ पे उसी फंक्शन को जो आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो वो उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 आ रही है, अगर वो लेस देन 0 आ रही है तो वो क्या है आपका, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं और जो वैल्यू होती है उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर f-c इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 देन दैट इज व्हाट, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर तुम्हारा f-c भी 0 है और f"-c भी 0 है तो उस केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब ये कंपल्सरीली जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता। इन दैट केस तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ेगा क्या है, ठीक है। और एग्जांपल्स करते हैं इस पे, लेट अस सी सम एग्जांपल्स सो दैट वी हैव मोर क्लैरिटी ऑन देम। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 18.1, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्होंने ऊपर क्लियरली लिख रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करना अलाउड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में नहीं आएंगे, बट हाँ और कहीं आ सकते हैं राइट, बिकॉज वहाँ पे आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है, ये मेथड में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ राइट, आई नो कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो बोर्ड में आएगा सर वही बताओ, या फिर जो हमारे काम का उतना ही बताओ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे काम का ये भी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर 4 मेथड्स आते हैं और उसे तुम्हें यूज करना आता है, तुम्हें पता होगा किस कंडीशन में आंसर जल्दी किससे आएगा। ठीक है, तो ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट बहुत बेसिक है और बाकी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इस केस में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। ना इसमें तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, ना डबल डैश निकालना है, तुम्हें बिना उसके आइडेंटिफाई करना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखना भाई, 1-2 क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 4x2 - 4x + 4। दो तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। एक तरीका उनके लिए जिनका ग्राफ में जिनकी पकड़ बड़ी अच्छी है। जैसे ही मैं ऐसा ग्राफ देखता हूँ, जैसे ही ऐसा देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि भाई इसका ग्राफ तो कहीं ऊपर होगा, कहीं ऐसा होगा। अगर ये ग्राफ इधर को जाएगा तो क्या इसकी कभी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी? नहीं, बिकॉज पैराबोला तो भागता चला जाता है ना ऊपर। इसकी क्या होगी? हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी, जिसको ग्राफ समझ में आता है उसके लिए। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो क्या होता? ये कुछ ऐसा सा होता, तो इसकी क्या होती? इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होती। मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो बिना डेरिवेटिव टेस्ट के बता देगा कि क्या मैक्सिमा होगा, क्या मिनिमा होगा और कब होगा। सिर्फ इक्वेशन देख के ये वाली बात उसको पता लग जानी चाहिए कि कब मैक्सिमा है और कब मिनिमा है, सिर्फ इक्वेशन देख के। ठीक है, ओके, सो दैट इज जस्ट वन पार्ट। ठीक है, एक तो जिसको ग्राफ ये सब चीजें समझ में आती हैं उनके लिए तो बस ऐसी पता लग गया कि हाँ भाई इसमें क्या है, इसमें तो मिनिमा ही एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, जिसको ये बात नहीं समझ में आई, जिसके ग्राफ में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, देखो आप क्या करोगे। आप क्या करोगे? आप इस चीज़ को ऐसे समझोगे कि ये वाली जो चीज़ है आपके पास, आप इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरे पास बन जाता है x2 - x + 1। कभी भी अगर यहाँ पे ये x वाला टर्म नेगेटिव है तो मैं a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, और अगर ये x वाला टर्म पॉजिटिव है तो मैं इसको a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, इट इज ट्वाइस ab + b स्क्वायर, एंड इन द अदर केस इट इज a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये मैंने 4 तो चलो कांस्टेंट ले लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ ये बना मेरे पास a² - 2ab, ये रहा 2, ये रहा a। अब b को ऐसा क्या करूं ताकि ये एग्जैक्टली फिर से x बन जाए? तो मैं b को 1/2 ले लेता हूं, और अगर मैंने b को 1/2 लिया तो इन ऑर्डर टू मेक इट स्क्वायर ऑफ a - b आई नीड अ b स्क्वायर, दैट मींस आई नीड टू ऐड व्हाट 1/4, एंड इफ आई हैव एडेड 1/4 आई नीड टू सबट्रैक्ट इट एज वेल। ऐसा तो है नहीं मैथमेटिक्स में, मतलब किसी का राज नहीं चलता, जो है वो है। ऐड किया तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल है, राइट। सो यहाँ कोई एक्सेप्शंस नहीं है। द गुड साइड अबाउट मैथमेटिक्स, सो दिस इज व्हाट, दिस इज x - ½ का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना? x - ½ का होल स्क्वायर, और साथ में क्या बच गया बेटा? -1/4 + 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज नथिंग बट 3/4, इट इज 3/4। इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन, यू हैव द एक्सप्रेशन लाइक दिस, लेट मी राइट इट हियर। ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास 4 × x - ½ का होल स्क्वायर + 3। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्या होती है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। दिस पार्ट इज स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिट होती है। तुम x की वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, तो इसकी इसलिए यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? इसका सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और वो मिनिमा कितना होगा? ये जो कॉन्स्टेंट है ये मिनिमा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? दैट द मिनिमा एग्जिस्ट, द मिनिमम वैल्यू इज 3, द मिनिमम वैल्यू इज 3 एट व्हाट पॉइंट? एट x = ½। जब x = ½ होगा उस जगह पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, that is what I'll write the answer without any differentiation and without anything else. ये वाली बात जिस को समझ में आ गई, can you please raise your hand? Although आपके board point of view से this is not very important, but yes, this is certainly important when it comes to basic understanding. ठीक है, अगर आपकी basic understanding अच्छी नहीं है और आप, हाँ बोलो बेटा। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद समझ में नहीं आया सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस वाज योर स्टेटस ऑफ द क्वेश्चन। आपने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है अभिषेक, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये कोई फंक्शन है। मैं अगर तुमसे बोलूं बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे? 2 होगी भाई कि नहीं होगी? यस सर। क्यों होगी? क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। बिकॉज एक्स स्क्वायर की तुम वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ये हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली यहाँ तुमने जैसे ही स्क्वायर, बताइए मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने का एफर्ट लगाना है, और अगर ये एक्स वाला टर्म प्लस है तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का एफर्ट लगाऊंगा। उसमें जो मेरे पास कॉन्स्टेंट बच गया जो स्क्वायर के बाहर है वही उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी अगर ये पॉजिटिव है तो। अगर ये नेगेटिव होता तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो दैट इज हाउ दीज क्वेश्चंस शुड बी डन। एक दो क्वेश्चन ओरली डिस्कस कर देता हूं, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आएगा। अगर मुझे थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 18.1 का, x प्लस 2 एक फंक्शन दे रखा है। इन्होंने बोला कि इस रियल नंबर पे इसका मैक्सिमा मिनिमा कितना होगा, तो भाई x प्लस 2 अगेन जिसको ग्राफ समझ, मैं इरेज कर दूं। आई होप आपने लिख लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभी ले लो। आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, राइट? इसलिए मैं इसको भी, जो तुम्हारे बोर्ड में बिल्कुल आने के चांसेस नहीं है, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर तुम क्वेश्चंस को देख करके ओरली, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है ना, दिस कैन बी देयर इन एमसीक्यू, इवन बोर्ड में भी हो सकता है ना, एमसीक्यू में हो सकता है। तो एमसीक्यू में तुमसे मेथड तो बोलते नहीं है कि ये मेथड यूज करो, तो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता लग जाए कि हाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे मिनिमा है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन अगर देखता हूँ, देखते के साथ मैं बोल देता हूँ कि यस इसका तो सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और इसका मिनिमा कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मॉडुलस है ना, तुम एक्स की वैल्यू जो मर्जी रख लो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा इसकी क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? एक्स इज इक्वल टू -2 पे। अगर जिसको ग्राफिकली समझना है वो ग्राफिकली समझ लें, ग्राफिकली, राइट। वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। कैसा होता है ग्राफ? This is the graph. V बनता है, right? Y is equal to modulus of x. और अगर x plus 2 आ गया तो क्या हुआ? ये 2 यूनिट से लेफ्ट को शिफ्ट कर गया और ग्राफ as it is रिपीट हो गई, right? This is the graph for y is equal to modulus of x plus 2. जो लोग कॉम्पिटिशन्स के बारे में सोच रहे हैं, जेई के बारे में, एनडीए के बारे में, उनको तो ये क्वेश्चंस ऐसे दिखने चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो माइंड में तुम्हारे प्लॉट होना चाहिए, इक्वेशन देख के तुम्हारे माइंड में ग्राफ बन जाना चाहिए। अगर बन रहा है तो सिम्पटम सही है, सिंपल, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो भी आपको इतनी सी बात तो समझ आनी चाहिए कि मॉडुलस है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, उसके ऊपर तो नेगेटिव में तो नहीं जाएगी ना कोई मॉडुलस। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन में अब साइन 4x है या साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहती है, -1 से +1 के बीच में रहती है। अब ऑब्वियस सी बात है इसका मिनिमा तो एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन इसका तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों करना चाहिए मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि साइन 4x है ना, तो साइन 4x की वैल्यू तो फिक्स है, -1 से +1। अगर ये x होता फिर तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता बट मिनिमा एग्जिस्ट करता, बट क्योंकि ये साइन 4x है तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं फिफ्थ क्वेश्चन अगेन बहुत एक थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जा रहा हूँ, राइट। आई डोंट वांट टू स्किप दीज थिंग्स एज आई फील दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी देयर इन एमसीक्यूज, और प्लस कॉम्पिटिशन्स में तो बहुत फेयर चांसेस हैं इन सब के आने के, ठीक है। और अच्छे फंक्शंस भी आप आगे धीरे धीरे आगे करेंगे। तो यहाँ मुझे समझ में आता है कि साइन 4x की मिनिमम वैल्यू होगी -1, और दूसरा मुझे 3 दे रखा है, ठीक है। एक वैल्यू तो ये समझ में आती है, दूसरी वैल्यू मुझे समझ में आती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, तो ये +3 दे रखा है। यानी यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रेन? और एक दो आंसर मैच कर लेते हैं यार, हमने एक भी आंसर मैच नहीं किया, ठीक ही होगा बट स्टिल फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। 1, 3 और 5 तीन क्वेश्चन हमने रैंडमली किए हैं, 1, 3 एंड 5। 1 का आंसर पता नहीं क्या था, मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बताया था, ठीक ही बताया होगा ऐसे। थर्ड क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। देन फिफ्थ क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू 2 है। तो अगर ये सारे आंसर्स मैच कर गए हैं और अगर आप सभी को समझ में आ गए हैं तो मैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, please raise your hand if it is okay till now, and then I'll move on to the next exercise, right? As this is just a formality exercise, but yes, this is important from the MCQ point of view as well as other competitions point of view. That is why I'm discussing even these questions. Okay, so let's see, आइए इसमें से भी एक दो random questions discuss करते हैं, और आप चाहें तो अपने answers मुझे mark करके बता सकते हैं, कहाँ पे? Chat box में। Question number 4 और question number 6 हम discuss कर रहे हैं, ठीक है? हम ये देख रहे हैं कि इसकी maximum minimum value without the derivative test हमें बतानी है, मतलब आपने common sense से बतानी है। तो अगेन sin 2x है, तो sin 2x या sin 2x हो या sin 10x हो, फर्क ही नहीं पड़ता ना। सिंपल सी बात है, sin थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है, सिंपल। अब इन्होंने fx क्या दे रखा है? fx दिया कि 2x + 5, कोई टेंशन नहीं। जब -1 रखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4, और जब +1 रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई 6, ठीक है? आई एम श्योर आप में से कई लोगों का आ चुका होगा। आई एम 100% श्योर, राइट? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू पीपल। मैं जितना कॉन्फिडेंट अपने आप को लेकर नहीं हूँ, मैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, ठीक है? So I hope आप में से कई लोग इस आंसर तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है? Let me discuss the second part of the question, yes, the question number 6. That was your fourth question, ठीक है? Sixth question देखिए, sixth question में क्या, अब यहाँ पे 2x क्यूब है प्लस 5 है, ओके? अब देखो, कभी भी अगर क्यूब है ना, कभी भी अगर तुम्हारे पास क्यूब है, राइट? मैंने तुम्हें अभी इसका ग्राफ भी बना के दिखाया। अगेन जिसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, वो कुछ से कुछ कर सकता है। अगर एक्स क्यूब है, राइट? अगेन ध्यान से देखना, ग्राफ कितना इजीली ड्रॉ होता है, राइट? योर कंफर्ट इन ग्राफ शोज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन, राइट? अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मैंने तुम्हें बताया, नेगेटिव करो तो ये ऐसे जाता है, बढ़ता चला जाता है, और पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव में बढ़ता चला जाता है, राइट? एक्स क्यूब में डायग्राम में आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग, राइट? यू नो दैट, बट येस आई एम गुड विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो एक्स क्यूब ऐसा होता है, और ये तुम्हारे पास ग्राफ किसका है? ये y is equal to x क्यूब का है, y is equal to x क्यूब का ग्राफ है। Now how would that change when the function, now this is twice of x cube plus 5। तो अब ये चेंज कैसे होगा? एक तो ये 5 यूनिट ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज जो x is equal to 0 पे 0 आ रहा था, अब x is equal to 0 पे कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये 5 यूनिट ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, बाकी चीजें एग्जैक्टली वैसी चलेंगी, ठीक है? यानी अब तुम अगर ये देखो तो ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ से वैसे ही बिहेव करेगा, राइट? इस 2 से फर्क ये पड़ेगा कि इसका स्लोप थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, स्लोप वुड फर्दर इंक्रीज, ठीक है? मतलब इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इसकी है ना, ये और फर्दर, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, और जब आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो ऐसे ही ये वाली चीज़ भी चलती जाएगी। ये जीरो कब होगा ये देखने में तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, राइट? आप वाई इक्वल टू, हाँ बोलो। पिछले वाले में आपने y is equal to mod of x plus 2 का साइड में क्यों बनाया था ग्राफ? कौन सा? ये वाला, ये। अरे भाई y is equal to modulus x का ग्राफ तुम्हें पता है कैसा होता है, राइट? कभी भी अगर तुमने x plus a किया है तो a यूनिट से लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है, और अगर तुमने x minus a किया है तो a यूनिट से राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। इसके पीछे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी सी है आयुष, कि तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो चीज़ पहले 0 पे 0 हो रही थी, अब वो कहाँ पे 0 हो रही है? अब ये -2 पे 0 हो रही है, और अगर यहाँ पे y ऑफ x -2 होता तो अब ये 0 कहाँ पे होगी? y इज इक्वल टू 2 पे 0 होगी। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी चीज़ें तो वैसी ही रहीं। अगर यहाँ पे भी तुमने नोटिस किया तो मेरे पास ग्राफ क्या था? 2x3 + 5, बट मैंने बनाया क्या पहले? एक्स क्यूब का ग्राफ मुझे आता है, 2x3 मैंने बना लिया, क्या हो जाएगा? 0 पे ये 0 था, ये 0 पे कितना होगा? 5 होगा, मतलब ग्राफ कहाँ को शिफ्ट होगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इज इट ओके आयुष? ओके, इन सिक्स्थ बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। चलो देखते हैं अभी, ठीक है? सिक्स्थ क्वेश्चन में अभी हम देख रहे हैं, तो देखो अगर हमारी ग्राफिकल एनालिसिस अच्छी है तो ये बात तो क्लियर है कि इसका मिनिमा भी बहुत आगे तक जाएगा और इसका मैक्सिमा भी बहुत आगे तक जाएगा, और क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बहुत आगे तक जाएगा तो क्या इसका मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, राइट? इसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिव में भी बहुत आगे तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, और पॉजिटिव में भी +∞ तक जाएगा। सो नीदर द मैक्सिमा नॉट द मिनिमा वुड एग्जिस्ट, राइट? अगर तुम्हारी ग्राफिकल एनालिसिस अच्छी है तो, अगर ग्राफिकल एनालिसिस अच्छी नहीं है तो मैं उसकी बात भी करूंगा, बिकॉज आई नो बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? तो अगर ऐसा है तो आप देखिए y इज इक्वल टू 2x3 + 5, ठीक है? तुम्हारी ग्राफिकल एनालिसिस अच्छी नहीं है लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स तो ठीक ठाक है ना। x की वैल्यू जब तुम इंक्रीज करते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे y बढ़ता जाएगा ना, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मैक्सिमा में तो बहुत आगे तक जाएगी। यानी मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करता है, जब वो ऐसे को नीचे को कर्व करता है, जहाँ पे तुम्हारा ये जो इंस्टेंस है, जहाँ पे तुम्हारा स्लोप dx का 0 होता है। तो यहाँ तो कभी ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो ऊपर बढ़ता ही जाएगा, x इंक्रीज करते जाओ ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब तुम x डिक्रीज करते जाओगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी ये चीज dx तुम्हारा कभी भी 0 नहीं हो पाएगी, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे ही जाएगा, इट विल ऑलवेज बी टिल्ट। कहीं पे भी ऐसा कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे वेयर द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 6th क्वेश्चन का आंसर इस बेसिस पे आपको कह देना चाहिए, क्योंकि आपको डेरिवेटिव टेस्ट यूज ही नहीं करना है एज पर द एक्सरसाइज। तो आप बोलेंगे दैट हियर नीदर द मैक्सिमा नॉर द मिनिमा एग्जिस्ट। अगर ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आ गई बहुत बढ़िया, अदरवाइज वैल्यूज देख करके भी आपको समझ में आना चाहिए। इज इट ओके चिल्ड्रन, शैल आई प्रोसीड अहेड, थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस करना शुरू करें जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मूव करते हैं, राइट। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। और एक और पता नहीं मैंने कौन सा किया था, शायद 4th क्वेश्चन किया था कि 4th किया था। आंसर यहाँ पे 6 और 4 दे रखा है, क्या था, ठीक ही होगा, राइट। इस तरीके से ये बेसिक था। और हाँ, आपके ये MCQ के लिए और कॉम्पिटिशन के लिए ये डिसीजन इम्पॉर्टेंट थी। दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 18.2, राइट। क्योंकि आपको पता है CBSE या फिर ISC दोनों में मेथड इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस मेथड से उन्होंने बोला है वही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वो विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट वाला मेथड तो नहीं पूछेंगे, आज तक कभी भी नहीं पूछा कि विदाउट डेरिवेटिव तुम ये बताओ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं पूछते। जनरली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, राइट। आज से 1-2 क्लास के बाद मे बी जो मंडे या ट्यूजडे को क्लास होगी उसमें हम इसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, इसमें CBSE ISC बोर्ड में भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। मतलब इसका बोर्ड लेवल भी अच्छा है। और कॉम्पिटिशन अगर तुम इसमें JEE या फिर NDA क्वेश्चंस देखोगे, JEE में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम मिनिमम से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप अगर वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया पढ़ रहे हैं, राइट। यू विल रियली एंजॉय दैट दोज क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड इन दोज क्वेश्चंस। और देखो पहले एक-एक करके ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं हम लोग। जैसे सपोज करो इन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, हमें पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा, वो C1 C2 C3 जहाँ पे हमारी जो डेरिवेटिव टेस्ट है वहाँ पे 0 हो जाता है, f'(x = 0। क्रिटिकल वैल्यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन फंक्शंस में हमें पॉइंट्स बताने हैं कि वो C1 C2 कौन से हैं। यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बताना है। Also find the local maximum and local minimum value. यानी without second derivative test हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो function होगा, will there be no maxima and no minima for a function having point of inflection? Yes, part absolutely correct, right? It is dependent on the fact कि वहाँ पे कैसा, जैसे मैंने जो तुम्हें example initially दिया था पार्थ, right? जैसे कोई भी तुम्हारे पास function है, right? अगर आपके पास कैसा भी फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एक्चुअली डियर, राइट। एग्जैक्टली मैं ऐसे इन जनरल तुम्हें एक ग्राफिकल एग्जांपल दे सकता हूँ, बट यस इट इज एंटायरली डिपेंड ऑन दी फंक्शन दैट इज गिवन टू अस। कोई भी तुम्हारा ग्राफ ऐसा है सर्टेन पॉइंट पे इसका नेचर चेंज हो रहा है, राइट। अब देखो ये यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये चीज तुम्हें अब तो समझ में आती है कि हाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो क्या इसका मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है ना। ये इसका लोकल मैक्सिमा है और ये इसका लोकल मिनिमा है, और इसमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, ठीक है पार्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर क्वेरी। तो इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते, दैट इज एंटायर डिपेंड ऑन दी फंक्शन की फंक्शन क्या दे रखा है, ठीक है। अभी तो ये हाइपोथेटिकल फंक्शन हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में क्या मिलेगा, राइट, वो सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है। बट हाँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट सच अ फंक्शन इज पॉसिबल, ओके। सो there is possible, the function is possible where you have a maxima, a minima as well as a point of inflection, that is possible, okay। आइए देखते हैं फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमें इन्होंने दिया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th कर लेते हैं और लेट्स से 9th करते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं क्या हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें बताना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। कोई बात नहीं, f'(x) निकालता हूँ। f'(x) मुझे क्लियरली दिख रहा है 4 times x minus 5 whole cube, ठीक है। f'(x) कितना है मेरे पास, 4 times x minus 5 whole cube। ओके, अब मैं अगर f-x देखूं तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि x इज इक्वल टू 5 मेरा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू। चलो मैं पहले नंबर लाइन ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्राफ बनाने से पहले, बिकॉज ग्राफ बनाने की हैबिट सबको नहीं होती। तो ये देखो, ये मैंने 5 पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। स्कूल मेथड डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, राइट। एट दिस प्लेस इट विल बी ईदर मैक्सिमा और इट विल बी मिनिमा। सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हालांकि तुम अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर पार 4 है, कभी भी अगर कोई भी इवन पार है, कभी भी अगर तुम्हारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये कोई भी इवन पार है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमेशा तुम्हारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमेशा तुम्हारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। पूछोगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती है, राइट, या इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जब ये तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने पूछा था कि बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बिना, तो इसके लिए भी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, अभी अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि वहाँ पे साइन चेंज होता था। क्या होता था वहाँ पे? एफ डैश एक्स, राइट। लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दैट यू डिड, राइट। साइन चेंज होता था, क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, किस पॉइंट पे? सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट होता है? मैक्सिमा होता है। एंड वाइस वर्सा, अगर वो चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, मैंने तुम्हें एक ग्राफ बना के भी बताया था, ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो इन डैट केस वो कौन सा पॉइंट था तुम्हारे पास? मिनिमा। तो हमें ये देखना चाहिए कि एफ डैश एक्स मेरा क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। आइए चेक करते हैं, राइट। लेट अस चेक फॉर दिस थिंग, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स को देखूँ, जैसे 5 पे बोल रहे हैं, तो मैं 5 से अगर थोड़ा पहले रहूँ, थोड़ा सा पहले, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा पहले नेगेटिव हो रही है, और जब मैं आगे को जाता हूँ तो ये चीज़ कितनी हो जाती है? ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। कभी भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है बेटा, तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है, ये क्या होता है, राइट। 5 से आगे जाओ तो क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। 5 से पहले नेगेटिव है, क्लियरली देख पा रहे हो ना तुम। 4.9 रख लो, 5 से पहले नेगेटिव है। 5.1 रख लो, 5 के जस्ट बाद पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हेनेवर यू हैव नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज मिनिमा। बच्चों अगर ये बात समझ में आई तो प्लीज रेज योर हैंड फास्ट, ठीक है। अगर कभी भी आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा है? आपका मिनिमा का है। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमा का है, ठीक है। इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बता पाएंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट था, पहली चीज ये बात हमने यहाँ पे एनालाइज की। अब क्वेश्चन में जितने पार्ट है सबको ढंग से पढ़ते हैं और ढंग से आंसर करते हैं, राइट। लेट्स नॉट लीव एनीथिंग। इन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑलराइट, द पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 5। द पॉइंट इज व्हाट? द पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 5। And is it the point of maximum or minima? This is the point of minima, right? मैं यहाँ पे minima लिखूँगा। What is the minimum value? इन्होंने बोला अगर point है तो उसकी minimum और maximum value भी बताइए, तो ठीक है। I have a minimum value. The minima is 0. X is equal to 5 पे f x की value कितनी आ रही है? f x की value certainly 0 आएगी। जब x is equal to 5 मैं रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा? f x 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 आंसर्स मुझे देने चाहिए थे, राइट। पहली चीज यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्स इक्वल टू 5 और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आप देख लीजिएगा, प्लीज आप लिख लीजिए। मैंने इसका आंसर मैं स्कैन नहीं कर पाया था, राइट, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक ही होगा ऐसे, बट स्टिल आप फिर भी नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 5, इट इज द मिनिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 इज 0, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। I'll discuss one more question, 5th and 9th, 2 क्वेश्चन और फटाफट से डिस्कस करते हैं, so that इसमें जो रिमेनिंग एस्पेक्ट है वो भी आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। So I'm erasing it and I'm moving on to the other 2 questions, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। 5th क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, सिर्फ मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना अलाउड है, कोई बात नहीं, f डैश x करता हूँ। 1/x² + 2 है, ठीक है, या तो तुम चाहो तो क्वोशिएंट रूल लगा लो, या फिर तुम अगर एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या? x² + 2 raised to the power -1, राइट। दिस कुड हैव बीन रिटन लाइक दिस एज वेल। तो डिपेंड्स, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास -1/(x² + 2)² और फिर जब x² को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x। तो इस तरीके से मुझे f-x की ये वैल्यू मिल जाती है। आई होप डिफ्रेंसिएशन में आप लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पे हमारे पास f-x या तो 0 है या फिर इन्फिनिटी है, यानी कि या तो न्यूमरेटर 0 है तो वो तो क्लियरली दिखता है न्यूमरेटर कहाँ पे जीरो न्यूमरेटर 0 पे 0 है। क्या डिनोमिनेटर का भी 0 होता हुआ दिखता है तुम्हें? नहीं, देयर वोंट बी एनी रियल वैल्यू ऑफ x जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा, राइट? यानी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल वैल्यू आ रही है और वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। एट 0 दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो कोई बात नहीं, वही काम करेंगे। 0 से पहले इसका साइन चेक करेंगे और 0 के बाद इसका साइन चेक करेंगे। तो 0 के पहले चेक करते हैं, लेट्स से मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखी, जैसे तुम यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव रखोगे तो न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव, राइट। मैं इसको कैसे चेक करूंगा, मतलब डायग्राम, मतलब आंसर शीट में लिखने के ख्याल से, जब मैं 0 - h कर रहा हूँ f'(0 - h), तो दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। बस तुम्हें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट द साइन, दैट इज ऑल, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव है। और अगर आप f'(0 + h), यहाँ मैंने क्या रखा है c - h एंड c+ h, तो यहाँ पे अगर तुमने c+ h लिया तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या रहेगी? नेगेटिव। यानी जो तुम्हारा f' है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। कौन मुझे बता रहा है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो क्या होगा भाई? इज इट मैक्सिमा और मिनिमा? जल्दी बताओ। मैक्सिमा, मैक्सिमा, राइट। तो ये सब बातें अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आनी चाहिए। एट दिस स्टेज यू विल से दैट यस, एज f' इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो सर्टेनली इट इज व्हाट? इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब तुम्हें इसमें फाइनल आंसर क्या लिखोगे? दैट देयर इज वन पॉइंट, राइट। इसमें उन्होंने बोला ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। द पॉइंट इज व्हाट? द पॉइंट इज x = 0। आंसर मैच करना बेटा, मैं स्कैन नहीं कर पाया था, राइट। कल वाली क्लास में मैं स्कैन करके लगा लूंगा आंसर। फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया, सेकंड एक्सरसाइज नहीं कर पाया था। सो x = 0 पे इट इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट, और ये कौन सा पॉइंट है? ये तुम्हारा मैक्सिमा है। और फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं? कुछ नहीं करते यार, f(x) में बस f(0) रख देंगे। f(x) क्या था मेरे पास? 1/(x² + 2)। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकाली है मैंने 0 पे, ठीक है, तो f(0) पे मैंने रखा तो कितना आ गया? ये 1/2। सो व्हाट इज द मैक्सिमा एट दिस पॉइंट? द मैक्सिमा इज 1/2। तीन आंसर्स हैं, व्हाट इज द पॉइंट, वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, ठीक है। This is the foundation of a very, very important topic from any point of view, any perspective, right? इससे तुम्हारे पास बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अभी यहीं पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करना शुरू करेंगे 1 से 2 दिन में, तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ तुम बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तुम्हें चैलेंज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के। इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे आपको मजा आएगा देख करके, ठीक है। I'll discuss one more question before we say goodbye for the day, right? Let's do one more. And I would expect from you exercise 18.1 बहुत सिंपल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना, एमसीक्यू वगैरह में काम आ सकता है, ठीक है, इसलिए उसको कर लेना। और एमसीक्यू इज वन प्लेस जहाँ की अच्छे बच्चे भी 100 में 100 आने से चूक जाते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ना मत, कर लेना, फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी। कुछ टेंशन आती है तो उसको मुझे ट्रांसफर कर देना, ठीक है। आइए देखिए f'(x) कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये f'(x) कितना आ गया आपके पास? -sin x आ गया, ठीक है, दिस इज -sin x। अगर मैं इसको 0 पुट करूं, मेरे पास इंटरवल कौन सा दे रखा है इन्होंने इंटरवल दे रखा है 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 9th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। द इंटरवल इज 0 to π, ओके। अगर 0 to π दे रखा है तो ये sin x कहाँ पे 0 होगा? sin x मेरे पास सिर्फ 2 जगह पे 0 होगा, एक 0 पे 0 होगा और एक पाई पे 0 होगा, जो हमारे पास इंटरवल में है, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स पे ये 0 होगा, 0 and π। तो फिर 2x था ना, cos x, अच्छा cos x ही है, -sin x, 0 और π पे ही होगा, और ये पॉइंट इंक्लूडेड भी नहीं है। तो इस फंक्शन में cos x की वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यूज हैं, एक 0 और एक π, ठीक है, 2 क्रिटिकल वैल्यूज तो है ना, हालांकि इंक्लूडेड नहीं है, बट नहीं है तो नहीं है, क्या करें, ठीक है। तुम्हें इसको लेना तो पड़ेगा ना, बिकॉज और कहीं पे जीरो नहीं होगा। जीरो से लेके पाई तक में आपको ही पता है साइन थीटा की वैल्यू जीरो सिर्फ कहाँ पे होती है, जीरो से और जीरो और पाई पे होती है, और कहीं भी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं हालांकि ये फंक्शन बहुत ईजी है, तुम स्ट्रेट अवे भी इस बात को समझ सकते हो कि कॉसेक्स है तो कॉसेक्स का ग्राफ तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, राइट। ये रहा जीरो और ये रहा पाई, तो ऐसे देख के ही पता लग जाता है कि यहाँ इसका मैक्सिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जीरो पे, मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, पाई पे। मतलब ये वो वाली चीज़ हो गई। लेकिन अभी एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, बोर्ड वाले एग्जाम में, उसकी बात भी फिर थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, अभी कर ही लो। तो जीरो और पाई तुमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ भाई ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, लेकिन इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ समझनी है। तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे देखो कि अगर आप जीरो माइनस एच पे चेक करते हो, ठीक है, वही तरीका जो हम लोग अभी करते आ रहे थे, और जीरो प्लस एच पे चेक करते हो, ठीक है, क्या एफ डैश। तो अगर आप जीरो माइनस एच पे चेक करेंगे बेटा, तो आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये चीज़ कुछ भी पॉजिटिव बनेगी, मतलब जीरो से पहले ये चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, और अगर आप जीरो प्लस एच पे चेक करते हैं तो अब ये जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके आगे नेगेटिव लगाया, मतलब ये चीज़ कितनी हो रही है, ये चीज़ तुम्हारे पास नेगेटिव हो रही है। और तुम्हें मालूम है कि अगर कभी भी f डैश x उस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होता है तो वो पॉइंट कौन सा होता है बेटा, क्या वो पॉइंट मैक्सिमा का नहीं होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली आप यहाँ पाई पे भी चेक करेंगे। ठीक है, अब आप कैसे चेक करेंगे, f डैश पाई माइनस एच एंड f डैश पाई प्लस एच। अब आपको देखना है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, और कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास पाई के जब तुमने सब्सट्रैक्ट किया, राइट, पाई में जब तुम कुछ भी सब्सट्रैक्ट करोगे तुम कहाँ पे रहोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे। इफ यू सब्सट्रैक्ट एनी एंगल फ्रॉम पाई यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है तुम्हारे पास, साइन तुम्हारे पास पॉजिटिव होता है, मतलब ये ओवरऑल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एच करेंगे, वेरी एनी स्मॉल वैल्यू विल टेक यू टू द थर्ड क्वाड्रेंट, and in the third quadrant sign is negative, so negative into negative that will be positive. Now look at the signs, f dash pi minus h and f dash pi plus h, the sign is changing from negative to positive, and whenever it is negative to positive I hope you remember that it is what, it is the point of minima. ठीक है, तो बोर्ड में लिखने के ख्याल से ऐसे करोगे, और अगर कंपटीशन के लिए आप हैं फिर तो आपको डायग्राम बना के विद इन 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके एवरीवन, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, सो टुडे वाज द फर्स्ट क्लास, आई केप्ट इट वेरी